तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्स रेल के स्टॉक के बारे में। टैक्स रेल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद से अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 1% की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से अभी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अभी स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 231 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 250 देन यस हमको स्टॉक में 265 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यस हमको स्टॉक में अगेन 280 एंड देन यस हमको स्टॉक में 300 और इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 320-330 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 213 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 205 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 195 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।